सप्ताह में कितने बार करना सही है इसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। काफी सारे फोन्स हमको आते रहते हैं, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स, फोन्स, और लोगों के सवाल रहते हैं कि भाई उनका परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो गया, परफॉर्मेंस कितना सही होना चाहिए, अपने महिला पार्टनर को तृप्त करना है या संतुष्ट करना है तो कितने बार करना चाहिए, और लोगों को इसके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते कि नहीं रोज एक तो करना ही चाहिए, कुछ लोग ऐसा बोलते कि नहीं रोज दो बार करना चाहिए, और कुछ लोग बोलते कि हफ्ते में एक बार करना चाहिए। देखो तो इसमें सही और गलत कुछ भी नहीं है, जैसी अपनी भूख वैसा आपका परफॉर्मेंस, जैसा खाना खाते हैं भूख क्षम जाती है वैसे इसका है। एक बार करने से भी आदमी यदि एक ही परफॉर्मेंस में दोनों पुरुष और महिला तृप्त होते हैं, संतुष्ट होती है, समाधानी होती है, तो एक ही काफी है। और आप दो बार भी रात में करते हैं और दोनों बार भी आपको संतुष्टि नहीं मिली या दोनों को संतुष्टि नहीं मिली तो फायदा क्या है? तो इसलिए एक बार करना है वो भी बराबर करना है, सही महीने में करना है, सही तरीके से करना है, वो महत्व का है। फिर कितने बार करना चाहिए इतना महत्व का नहीं है। और सही करना है मतलब क्या है? दोनों को संतुष्टि मिलना चाहिए। दोनों को संतुष्टि कैसे मिलती है? एक तो फोर प्ले करते हैं, काम क्रीड़ा बोलते हैं, जो 2 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट तक चल सकती है, और बाद में इंसर्शन करके उनमें लिंग का प्रवेश करके एक्चुअली इंटरकोर्स करते हैं, जो एवरेज में 4-5 मिनट तक चलता है, जिससे दोनों को संतुष्टि मिलती है, दोनों को समाधान मिलता है। दोनों को ऑर्गेजम मिलना बहुत जरूरी है, स्त्री को भी ऑर्गेजम मिलना जरूरी है, पुरुष को भी ऑर्गेजम मिलना जरूरी है। अब ये हो गया बेसिक। अब कितने बार करना चाहिए? तो ऐसा बोला जाता है कि हफ्ते में कम से कम 2 बार करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि भाई आपने बहुत कम बार किया, मतलब 15 दिन में एक बार किया, हफ्ते में एक बार किया, नुकसान है क्या? नुकसान नहीं है, मगर आइदर यू यूज इट और लूज इट। कोई एक अवयव अपना बॉडी का है और उसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इतने काम नहीं करेगा बाद में। आप देखो ना, सिंपल एग्जाम्पल है कि आपका हाथ समझो फ्रैक्चर हुआ है, आपका हाथ फ्रैक्चर हो गया, आपको प्लास्टर डाल दिया, आपको ऑपरेशन करके बोला भी इसको हिलाने का नहीं, कुछ नहीं करने का, 1 महीना तक प्लास्टर रहेगा। प्लास्टर 1 महीना निकालते हैं, हाथ नॉर्मल दिखता है मगर वो काम नहीं कर सकता क्योंकि उसको 1 महीना तक हमने यूज नहीं किया था, और 1 महीना यूज नहीं किया था करके हमने उसको लूज कर दिया। अभी आपको जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, उसकी एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, उसको काम देना पड़ेगा, उसमें ताकत लानी पड़ेगी ताकि वो वापस काम में आएगा। वैसे सेक्स का है, यदि आप सेक्स वापरते नहीं, यूज ही नहीं करते, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो धीरे 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 खत्म होना शुरू हो जाएगा। इसलिए एवरेज में, ऐसा मोटा मोटा हिसाब है, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, मगर एवरेज हफ्ते में 2 बार भी करना चाहिए, और 2 बार मतलब 3-4 दिन का आपका गैप है। और इसलिए मैं हरदम जब दवाई देता हूँ तो यही बोलता हूँ कि हफ्ते में 2 बार आप दवाई ले लो और 2 बार दवाई लेके सेक्स करो। 2 बार आप करते हैं दोनों भी बार, दोनों को ऑर्गेजम होता है, दोनों को ऑर्गेजम मिलता है, दोनों को शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, तो बहुत अच्छा है। ये तो आप रोज भी कर रहे हैं और स्त्री बोलती कि नहीं नहीं मुझे तो इच्छा ही नहीं है, मेरा तो समाधान नहीं हो रहा है, आप तो आते हैं करके चले जाते हैं, मेरे को तो कोई समझ ही नहीं रहा है, तो रोज करके भी फायदा है नहीं। तो कितने बार करना है इसका जवाब तुम्हें 2 बार करना चाहिए। नहीं करते तो यूज इट और लूज इट वाला फॉर्मूला हो सकता है। और दूसरा ऐसा है कि स्त्री की भी इच्छा होती, स्त्री ने कितना भी बोला नहीं नहीं मेरी इच्छा है, तभी उसकी इच्छा तो है, वो नहीं क्यों बोलती है? क्योंकि उसको समाधान मिला नहीं, उसको ऑर्गेजम हुआ नहीं करके। अब समझो उसको घर में ऑर्गेजम होता नहीं और घर में उसको समाधान मिलता नहीं है, तो नेचुरली ऐसा हो जाएगा कि वो कहीं और आकर्षित हो सकती है। तो इसका आंसर एक ही है कि भाई घर में ही, पति पत्नी में ही इस तरह का सेक्स हो कि दोनों को संतुष्टि मिल रही है, ताकि इधर उधर देखने का काम ना पड़े। हफ्ते में 2 बार करना, ये इसका प्रॉपर आंसर है। 2 नॉट ए थंब रूल, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, मगर एक एवरेज में बता रहा हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।